मंदसौर नारायणगढ़ के समीप गांव में दो तेंदुए दिखने से गांव में हड़कंप मच गया। एक तेंदुआ घर के अंदर आकर छुप गया, ऐसा वहां के लोगों ने बताया। एक तेंदुए को पकड़ लिया गया और एक मौके से भाग गया। कवरेज करते समय एक पत्रकार सहित एक महिला के ऊपर भी तेंदुए ने हमला किया, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह गणेश। शैलेंद्र जी बताइए, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में तेंदुआ का मामला, कहाँ का मामला है, कितने जने घायल हो? ये फतेहपुरा है, हमारे नारायणगढ़ थाने का फतेहपुरा क्षेत्र। वहाँ से ग्रामीणों का फोन आया था कि सुबह तेंदुआ, दो तेंदुए देखे गए वहाँ पे, एक किसी घर में घुस गए थे। वो वहाँ से निकल के जो खेत होता है उसमें अपन रचका लगाते हैं, रचके में छुप के बैठा था एक तेंदुआ, और एक थोड़ा बाहर भाग गया था वो। तो घेराबंदी की उसकी हम लोगों ने, और ग्रामीणों, फॉरेस्ट और पुलिस विभाग ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई के द्वारा इसको पकड़ा। पकड़ने के बाद फॉरेस्ट विभाग को सपोर्ट कर दिया है। कितने अभी कितने पकड़ में आए ऐसे तेंदुए? एक तेंदुआ पकड़ में आया फिलहाल। सर तेंदुए की स्थिति किसी, अभी जिसको ग्रामीण ने पकड़ा बेहोशी हालत में? अभी बेहोशी की हालत में उसको सौंप दिया वन विभाग को। सर तेंदुए पकड़ने के दौरान कितने जने घायल हो, जिसमें पुलिस और मीडियाकर्मी भी घायल हैं? सर 5-7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक मीडियाकर्मी साथी भी हमारे जो फोटो लेने के लिए आगे जा रहे थे, तो तेंदुए ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, और पुलिसकर्मी भी घायल है। चोट लगी? हाँ, मुझे दांत लगा उसका, हाथ पे चोट है थोड़ी सी। किस तरह की अभी कार्रवाई चल रही है सर? अभी फॉरेस्ट विभाग को हमने हैंड ओवर कर दिया है वो तेंदुआ, और दूसरा जो है उसके लिए हम लोग फिर से जा रहे हैं, पूरी टीम वापस से चल रही है, और आगे से भी फोर्स आ रहा है। हमारे उच्च अधिकारियों से भी बात हो चुकी है इस बारे में, फोर्स पहुँचा दिया उन्होंने, अवेलेबल है हमारे पास। हम लोग फिर से जा रहे हैं, जो एक तेंदुआ जंगल की ओर निकला है उसकी तलाश में निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। झाड़ा चौकी प्रभारी शैलेंद्र सिंह गणेश और वन विभाग के संयुक्त टीम ने ग्रामीणों से मिलकर तेंदुए को पकड़ा। एक और तेंदुए की सर्चिंग जारी है, घायल तेंदुए की मौत हो चुकी है। मंदसौर से न्यूज़ मीडिया टुडे के लिए असलम खान की रिपोर्ट।